हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज मैं अमित और पिंटू यहाँ पे घूमने आए हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ सारनाथ। ये म्यूज़ियम जो सारनाथ में है वो बेसिकली मौर्यन पीरियड से लेकर के अर्ली मेडिवल पीरियड तक का जो पूरा हिस्ट्री है वो यहाँ पे हम लोग स्कल्पचर्स के द्वारा हम लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। मौर्यन पीरियड में जो दो इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स हुए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उसके बाद गुप्ता पीरियड में है हिंदू पीरियड का है, और अर्ली मेडिवल पीरियड में हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ पे पूरा म्यूजियम तीन स्टेजेस में है, और उसका सबसे मेन सेंटर पीस है इंडियन एम्बलम, जो कि एम्पेरर अशोक ने बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था, और वो अशोक स्तंभ पूरे शाफ्ट, एबेकस, कैपिटल और लायन फिगर्स के साथ पूरा एक यूनाइट फिगर था। लेकिन वो मतलब कि समय के साथ वो टूटने के बाद जो खुदाई में निकला, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है कैपिटल और एबेकस के साथ यहाँ सेंट्रल हॉल पे यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि बुद्धा के चार फिगर्स को उसमें से दर्शाया गया है, एबेकस में लायन, बुल, एलिफेंट और हॉर्स के साथ। ये जो मतलब कि बुद्धा के लाइफ के चार फेजेस हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड के यहाँ पे स्कल्पचर्स, जिसमें कि कुछ बोधिसत्वास के फिगर हैं और हिंदू गॉडेस का और हिंदू गॉड्स का, और साथ में उस समय टेराकोटा फिगर्स भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और उसमें पांच छह एग्जांपल आयरन स्मॉल इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे कि जो खाना बनाने में जो होता यूज हैमर और छोटे छोटे जो बेसिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। उसके बाद हम लोग भी देखते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड का हिंदू गॉड और गॉडेस का जो उस समय का जो मेन जो थीम होता है द बेसिक ट्रिनिटी ऑफ गॉड ब्रह्मा विष्णु एंड शिव, और उस पे बेसिक हम लोग उनके गॉड और उसके हम लोग बहुत ही परफेक्शंस और कुछ इनकम्प्लीट फिगर्स भी देख सकते हैं। जैसे उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है 12th सेंचुरी का, जहाँ पे कि शिव भगवान को अंधकासुर का वध करते हुए दिखाया गया, और इसके अलावा हम लोग उसको उनके साथ में शिव, पार्वती, अर्धनारेश्वर, कामदेव और विष्णु और गणेश और कार्तिकेय के भी हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर्स देख सकते हैं। और इस पूरे म्यूजियम में पांच गैलरीज हैं और सात बरंडाज हैं, तो ये जो आगे जो है बरंडाज पोर्शन में उसमें अभी फ़िलहाल एक महीना के लिए आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम का एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी म्यूज़ियम हैं उनके कुछ स्पेशल चीज़ को यहाँ पे एग्जीबिशन में लाया गया। आप लोग यहाँ पे चाहें तो आ सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है हिस्ट्री के नज़रों से देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।